तो मूवी की शुरुआत में हम ब्रायन और कैसी को देखते हैं। कैसी ब्रायन की फियांसे थी, लेकिन कुछ टाइम से इनका रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसलिए ये लोग अपना रिलेशन ठीक करने के लिए एक दूसरी कंट्री में जाकर एक घर रेंट पर लेते हैं। रात होने पर ये दोनों वाइन पीते हुए बातें कर रहे थे कि तभी इनका फ़ोन बजता है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये आज रात बस एक दूसरे की बाहों में रहेंगे, इसलिए फोन्स वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए ब्रायन फ़ोन को ऑफ़ करके रखने जाता है, तो वो देखता है कि केसी के फ़ोन पर किसी आदमी का फ़ोन आ रहा है। ये वही आदमी था जिसके लिए केसी ने ब्रायन से चीट किया था। ये देखने पर ब्रायन का मूड खराब हो जाता है। आज वो अच्छे से इंटीमेट होने वाले थे, लेकिन मूड खराब होने की वजह से ब्रायन ये नहीं कर पाता, जिससे केसी भी गुस्सा हो जाती है और फिर ब्रायन से बिना बात किए ही सो जाती है। और फिर अगली सुबह वो जॉगिंग के लिए जाती है तो अपसेट होने की वजह से वो गिर जाती है और उसके पैर में चोट आने की वजह से वो चल नहीं पाती। वो रोड साइड पर आकर लिफ्ट मांगती है तो फेडरिको नाम का एक आदमी उसे लिफ्ट दे देता है। फेडरिको उनसे कुछ ही दूरी पर रहता था और फिर वो केसी को उसके घर छोड़कर जाने लगता है। तो ब्रायन और कैसी टाउन जाकर शॉपिंग की बात करने लगते हैं। तो फेडरिको बोलता है कि वो उन्हें टाउन ले जा सकता है क्योंकि यहाँ टैक्सी वगैरह नहीं मिलने वाली, पर ये सुनकर ब्रायन उसे मना कर देता है और फिर ये लोग अंदर जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। तो फिर से ब्रायन को कैसी के चीट करने वाली बात याद आने लगती है। वो इंटीमेट होना छोड़कर अपसेट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम फेडरिको को देखते हैं जो कि ब्रायन और कैसिको को हिडन कैमरे के जरिए देख रहा होता है। फिर अगले दिन ब्रायन और कैसी फेडरिको की कार में शॉपिंग करने टाउन जाते हैं। तो वहाँ भी किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच बहस हो जाती है, जिस वजह से कैसी वहाँ से किसी तरह अपने घर आ जाती है। वहीं ब्रायन भी अपसेट होकर पास के ही एक बार में चला जाता है, लेकिन वहाँ फेडरिको आकर ब्रायन से बातें करते हुए उसे काफ़ी ड्रिंक पिला देता है, जिसके बाद वो उसे बोलता है कि आज रात वो उसकी जगह उसके घर पर जाएगा। और सच में ही फेडरिको केसी के पास पहुंच जाता है। केसी हल्की नींद में ही थी तो फेडरिको उसके बाल सहलाने लगता है। केसी सोचती है ये ब्रायन ही है जो उसे मनाने की कोशिश कर रहा है, और तभी वो नींद में ही उसे किस करके सो जाती है। वहीं अगली सुबह होते ही ब्रायन जल्दी से केसी के पास पहुंचता है। वो उसे उठाकर गुड मॉर्निंग बोलकर शावर लेने चला जाता है। तभी उसे पिछली रात फेडरिको के साथ हुई बात याद आती है, तो वो केसी से पूछता है कि क्या पिछली रात फेडरिको यहाँ आया था। लेकिन यहाँ केसी को कुछ भी याद नहीं था, तो वो फिर से ब्रायन के साथ फाइट करने लगती है और बोलती है कि फेडरिको एक अच्छा आदमी है, उसने कई बार उनकी हेल्प की है। ये सुनकर ब्रायन केसी को मनाकर उसके साथ इंटीमेट होने वाला था, पर तभी वो नीचे बेसमेंट में वाइन लेने जाता है। इसी बीच अचानक से वहाँ का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब ब्रायन वहाँ से निकल नहीं पा रहा था। वहीं हम उसी घर में फेडरिको को देखते हैं जिसने ब्रायन को बेसमेंट में बंद किया था। इसके बाद वो केसी के बेडरूम में ब्लाइंड फोल्डर रख देता है। केसी भी सोचती है वो ब्रायन ने ही रखा होगा और वो उसे पहन लेती है, जिसके बाद फेडरिको आकर केसी के साथ इंटीमेट होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बेसमेंट में ब्रायन को एक हिडन दरवाज़ा मिलता है जिसके जरिए वो एक रूम तक पहुंच जाता है। फेडरिको भी उसकी आवाज़ सुनकर भाग जाता है, तो केसी को भी काफ़ी अजीब लगता है कि ब्रायन बीच में ही कहाँ चला गया। तभी उसके पास एक वीडियो आती है जिसमें वो देखती है कि ब्रायन बार में दो लड़कियों के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये देखने पर वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। ये ब्रायन के उस रूम में आने के बाद वहाँ के टीवी पर केसी का वीडियो देखता है जिसमें फेडरिको केसी के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये देखने पर ब्रायन भी गुस्सा हो जाता है। केसी ब्रायन को ढूंढते हुए आती है
तो वो उसे उसकी वीडियो दिखाती है। ब्रायन उस रात के बारे में केसी को समझाने लगता है, पर तभी केसी गुस्से में आकर फ़ोन को फेंक देती है। वो फ़ोन दीवार पर लगे मिरर पर जा लगता है, तो ये शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि मिरर के पीछे एक हिडन कैमरा लगा था। उस कैमरे को देखने से ये दोनों समझ जाते हैं कि ये फेडरिको का ही काम है। पर तभी फेडरिको भी देख लेता है कि उन दोनों को कैमरे के बारे में पता चल गया है, तो वो उनके घर पहुंच जाता है। ब्रायन और कैसी काफ़ी डरे हुए थे, तो वो बोलते हैं कि इसके बारे में वो किसी से कुछ भी नहीं बताएंगे, पर यहाँ फेडरिको कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो बोलता है उसने काफ़ी लोगों को ऐसे देखा है, लेकिन अब उसे केसी से प्यार हो गया है। और तभी वो चाकू से ब्रायन पर अटैक करने लगता है। ये देखने पर केसी ब्रायन को बचाने के लिए फेडरिको पर अटैक करके उसे मार डालती है। इसके बाद ये लोग जल्दी से इसे साफ करते हैं, और तभी होम का ओनर वहाँ आ जाता है, क्योंकि ब्रायन ने एक बार उसे फेडरिको के बारे में बताया था कि वो उन्हें परेशान करता है। यहाँ ब्रायन होम ओनर को बोलता है कि अब सब ठीक है, अब उन्हें कोई परेशान नहीं करता। ये सुनकर होम ओनर वहाँ से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो सीधा फेडरिको के घर जाता है, जहाँ वो वहीं कंट्रोल रूम में देखता है। और वीडियो देखने से उसे पता चल जाता है कि ब्रायन और कैसी ने फेडरिको को मार डाला है। इससे वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये दोनों साथ में मिले हुए थे। तो तभी वो वापस केसी के पास जाकर बोलता है कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। यहाँ ब्रायन होम ओनर को भी मारने वाला था, पर तभी वो होम ओनर अपनी गन निकाल कर बोलता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो ब्रायन को मारने ही वाला था कि तभी केसी अटैक करके उसे भी मार डालती है। इसके बाद ये दोनों उनकी बॉडी को ठिकाने लगाकर वहां से निकल जाते हैं। ये लोग फेडरिको के घर जाकर सभी वीडियो टेप तोड़ देते हैं, और फिर मूवी के क्लाइमैक्स सीन में हम देखते हैं कि घर के बाहर भी कैमरे लगे हुए थे, जिनके जरिए वो एक इलीगल वेबसाइट पर लाइव चल रहा था। और जिन लोगों के पास इस वेबसाइट का एक्सेस था, वो ये चीज़ देखने पर शौक थे, लेकिन वो इस चीज़ के बारे में पुलिस को भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि यहाँ हर चीज़ इलीगल थी। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की फिल्मों का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।